कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उत्तराखंड कांग्रेस में जोश भरने के लिए शुक्रवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान वे बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उपस्थित रहेंगे। वहीं बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला जल्द आएगा, इसे लेकर कहीं भी कोई अड़चन नहीं है, इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वह पहले अपने दल को देखें। जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा अपने प्रदेश कार्यालय को बनाने के लिए भू उपयोग बदलने में छूट की व्यवस्था की गई है, जो सही नहीं है। सचिन पायलट का इस तरह उत्तराखंड का दौरा करना बहुत अहम माना जा रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट पर गहलोत से ज़्यादा विश्वास कर रही है, इसी वजह से पायलट को उत्तराखंड भेजा गया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।